बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास टेन का जो है वो लेक्चर नंबर 32 है और आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट करेंगे। इसके दो पार्ट बेटा जो रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 और 8। 8 वाला पार्ट में तो आ रहा, सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले हम अप्लाई करना है यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। सो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस कंपोनेंटों का प्लस का साइन। अब नीचे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस डिविडेंडों का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1 + 3/1 - 3 यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दिया। और इसके बाद माइनस को मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 4/-2। इधर से ये माइनस और प्लस कट जाएगा, नीचे से ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2√ एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2√ एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 2 से कट देना इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 - 2 आ गया। इन दोनों का रूट कंबाइन कर दें, एक ही रूट में कर दें इसको, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और इधर भी माइनस एच, फिर को टू से कटेगा तो माइनस बचा था, अब ये माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, बाकी बचा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब रूट को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो दोनों तरफ स्क्वायर रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + स्क्वायर, ये कट गया एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू डिवाइड हो गई है उधर का, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x² - p² एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर 4 × 4 × x² 4 × 4 p² माइनस 4 p² इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 4 p² और प्लस एक्स स्क्वायर उधर आगे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर 8 + 4 = 12 p² 4 - 1 = 3 x² 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड एक्स स्क्वायर 3 × 4 = 12 4 p² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ दोबारा रख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायर 4 p² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ये कट गया सो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2p इज इक्वल टू एक्स। अगेन ये ध्यान में रखें बेटा यहाँ रूट लिया है तो क्या आएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आएगा क्यूब रूट में नहीं है। ओके बेटा, सो ये बेटा हमारी मेन एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 3 की 3.4 एक्सरसाइज। इसका एक पार्ट रह गया पार्ट नंबर 7, वो इसी तरीके से होगा, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो ये हमारी 3.4 एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट हो गई। ओके बेटा, ये दोनों क्वेश्चन की आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, लास्ट वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, दीज टू लेक्चर्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।